तुर्किश क्लास में आप सभी का स्वागत है। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जानते हैं जेड टेट का अपडेट। टीटी में स्नातक स्तर के सवाल पूछे जाएंगे। रांची स्कूली शिक्षा विभाग शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी को लेकर नियमों में बदलाव करने जा रहा है। इस बार की परीक्षा में पहली से पाँचवीं के लिए इंटर और छठी से आठवीं तक के लिए स्नातक स्तर के सवाल पूछे जाएंगे। इस साल होने वाले टीटी परीक्षा में इसे लागू किया जाएगा। टीटी के सर्टिफिकेट की मान्यता 7 साल रहेगी। बता दें कि इससे पहले राज्यों में होने वाली टीटी में पाँचवीं कक्षा तक के लिए मैट्रिक और छठी से आठवीं तक के लिए इंटर स्तर के प्रश्न आते थे। इस बार छठी से आठवीं के टीटी अभ्यर्थी जिस विषय के स्नातक होंगे उसे मुख्य विषय रखकर परीक्षा में बैठेंगे। परीक्षा में निर्धारित पाठ्यक्रम के साथ साथ पढ़ने के तरीके और उसकी अभिरुचि से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे। और यहाँ देखते हैं, अगस्त से प्रक्रिया शुरू होगी। टीटी के लिए अगस्त से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। विभाग जुलाई के अंत तक नियमावली में बदलाव और कैबिनेट भेजा जाएगा। वहां मंजूरी के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग को अधियाचना भेजी गई। जेक इसके आधार पर ऑनलाइन आवेदन पत्र लेगा और नियुक्ति प्रक्रिया की शुरुआत करेगा। 2 बार हो चुकी है परीक्षा। झारखंड में टीटी 2012 और 2016 में हुई है। 2012 एवं 13 की टीटी में 66,000 और 2016 में 53,000 अभ्यर्थी पास हुए हैं। 2012 एवं 13 में क्वालिफाई कर चुके अभ्यर्थियों में से 16,000 अभ्यर्थी की शिक्षक पद पर बहाली भी हुई है। 2016 में पास अभ्यर्थी के लिए नई नियुक्ति प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो पा रही है। तो ऐसी जेटेट से अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को इम्प्रेस करें। थैंक यू।